तो बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कई राज्यों के बदले गए हैं राज्यपाल, 13 नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। तो बीडी मिश्रा बनाए गए हैं लद्दाख के नए एलजी, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने एस अब्दुल नजीर, साथ ही शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल के नए राज्यपाल बने हैं, रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, साथ ही भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर किया गया है, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधा कृष्ण बने हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन बनाए गए हैं। इसके अलावा सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बने हैं, साथ ही मेघालय के नए राज्यपाल फागु चौहान बने हैं। इसके अलावा अगर बात करें गुलाब चंद कटारिया की, तो वो असम के राज्यपाल बनाए गए हैं, साथ ही नागालैंड के नए राज्यपाल गणेशन बने हैं। इसके अलावा अनुसुईया उइके मणिपुर की नई राज्यपाल बनी है। इसके अलावा केवल त्रिविक्रम अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। तो केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। आपको बता दें कि करीब 13 नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। तो 13 नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। बीडी मिश्रा लद्दाख के नए एलजी बनाए गए हैं, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर बने हैं, शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, साथ ही रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं। इसके अलावा भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा भी मंजूर किया गया है, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधा कृष्ण, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मेघालय के नए राज्यपाल फागु चौहान, गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल, नागालैंड के नए राज्यपाल गणेशन, अनुसुईया उइके मणिपुर की राज्यपाल बनी है, साथ ही केवल त्रिविक्रम अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं।